राहुल गांधी के एक बयान पर सियासी घमासान मचा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल के वायनाड से सांसद हैं और केरल के दौरे पर है। क्या कहा है, कैसे ये बवाल, संबित पात्रा पवन खेड़ा होंगे आमने सामने, लेकिन पहले देखिए। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि च्यवनप्राश, खाएं रोगों से लड़ने की पूरी ताकत पाएं। I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. I found that people are interested in issues. ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है। कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। साउथ में जाएंगे तो कहेंगे कि हम तो यहां रिफ्रेश हो रहे हैं, रिफ्रेशमेंट के लिए आए हैं। नॉर्थ में जाएंगे कहेंगे हम एक्सपेरिमेंट के लिए आए हैं। धर्म का हफीम जरूर वो खा लिए। तो राहुल गांधी के दौर ने केरल दौरे पर कह दिया कि जब वो उत्तर भारत से सांसद थे उन्हें एक अलग तरह की राजनीति की आदत थी, लेकिन केरल के लोग मुद्दों की सियासत में दिलचस्पी रखते हैं। राहुल के बयान पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। चर्चा करें उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आई वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ एंड फॉर मी कमिंग टू केरल वॉज वेरी रिफ्रेशिंग। I found that people are interested in issues. एक बयान का जोखिम राजनीति में कैसे कैसे तूफान खड़ा कर सकता है, तालियां बटोरने का इरादा कैसे विरोधियों को मौका ही मौका दे सकता है, ये कोई राहुल गांधी से पूछे। ये अमेठी में मिली शिकस्त का सदमा था या जीत के बाद वायनाड से नई मोहब्बत? राहुल गांधी करना तो चाहते थे दक्षिण भारत की तारीफ, लेकिन ये बन गई उत्तर भारत के लिए ताना। कम से कम सियासत के बवंडर में बीजेपी अब इसे उत्तर भारतीयों का सबसे बड़ा अपमान साबित करने में जी जान से जुट गई है। फॉर द फर्स्ट 15 इयर्स आई वॉज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द नॉर्थ, सो आई हैव गॉट यूज्ड टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स एंड फॉर मी कमिंग टू केरला वॉज वेरी रिफ्रेशिंग बिकॉज सडनली आई फाउंड that people are interested in issues and not just superficially but going into detail in issues. राहुल गांधी दरअसल दक्षिण की राजनीति में नए सिरे से अपनी ताकत झोंक रहे हैं और इसी कड़ी में कभी ट्रैक्टर रैली करते हैं तो कभी मछुआरों की सभा। वायनाड ने इस बार देश की संसद में पहुंचाया तो राहुल गांधी बस वायनाड के लोगों की सियासी समझ को सराह रहे थे, पर सारा बवंडर तब छिड़ गया जब उन्होंने उत्तर भारत के अपने अनुभव से तुलना कर दी, अमेठी के अनुभव से तुलना कर दी। अमेठी में हराने वाली स्मृति ईरानी ने एहसान फरामोश ठहरा दिया। वहीं कांग्रेस कह रही है ये बीजेपी का बंटवारे का टूलकिट है। राहुल गांधी ने जो बयान दिया ये उस क्षेत्र के बारे में दिया जिसने 50 साल तक उनके परिवार को सत्ता दी। ये उस क्षेत्र के बारे में बोला जिसमें वो ढोंग करते रहे कि क्षेत्र की जनता मेरे लिए परिवार है, और ये ढोंग सिर्फ उन्होंने नहीं किया, उनके परिवार ने भी किया। और कोई अपने परिवार को इस तरह से सार्वजनिक अपमानित करता है? अमेठी और वायनाड वाले इस सियासी शोले में दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी कायनात जुट गई है। जो पप्पू पॉलिटिकल पाखंड की पिलपिली प्रयोगशाला बन जाए तो वो इसी तरह का कि साउथ में रिफ्रेशमेंट और नॉर्थ में एक्सपेरिमेंट। सूप बोले तो सूप बोले, चल्ली बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत। देश की एकता अखंडता के लिए हमने हमेशा सदैव कांग्रेस पार्टी ने वही सर्वोपर रखा है। जहां जहां पांव पड़े राहुल के तहां तहां बंटा ढार, कांग्रेस का बंटा ढार। पहले उत्तर कांग्रेस मुक्त कर दिया, अब भैया दक्षिण की तरफ चले हैं।
प्रेम की राजनीति होनी चाहिए, सद्भाव की राजनीति होनी चाहिए, नफरत और बंटवारे की नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। देश में विभाजन जिन्होंने पहले किया था, आज भी कोई नई रणनीति कांग्रेस के नेता कर रहे हैं विभाजन के लिए, जैसा राहुल गांधी जी का आज का बयान है, बहुत ही निंदनीय बयान है। ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, अपने अलग अलग हर आदमी अपने इलाके के बारे में कहता है। और जहां तक विघटन की और बंटवारे की राजनीति, तो भारतीय जनता पार्टी किसी को इस बारे में लेसन न दे। ये जो आपने खेल करने की कोशिश कर रही है नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने की, ये अंग्रेजों की नीति रही है, एक ये भारतीय संस्कृति नहीं है। उन्होंने अगर केरला के ताल्लुक से कुछ अच्छी बातें कही हैं, तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया के बारे में कोई गलत बात कही है। ये तो स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सोच है। बवाली बयान की कहानी यहीं खत्म नहीं हो रही। राहुल गांधी ने एक बार फिर मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय की भी बात की है और फिर बरस पड़े गिरिराज से। कहा भ्रम की अफीम फैला रहे हैं राहुल गांधी। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. भरम का हफीम जरूर वो खा लिए हैं, जो एक डिपार्टमेंट हो, फिशरी डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्वेश्चन करते हों खुद अपने हस्ताक्षर से, उस विभाग के विषय में भी पूछते हैं कि एक अलग मछुआ का विभाग होगा, मछुआ का विभाग है अलग से। सवाल तो ऐसे जोखिम भरे बयानों से सियासी नफा नुकसान का है। तभी दोनों पार्टियां यूं दमखम झोंक रही हैं। आज तक ब्यूरो। और अब टक्कर में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर समित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पवन खेड़ा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। क्या अपमान कर दिया उत्तर भारतीयों का संबित पात्रा जी? पूरी की पूरी बीजेपी जुट गई है ये साबित करने में। तमाम नेता एक के बाद एक कह रहे हैं। सवाल ये कि वो तो वायनाड गए थे, वहां पे मतदाता जो थे उनकी प्रशंसा कर रहे थे, उनकी सराहना कर रहे थे। अंजना जी, मैंने तो आपके वॉइस ओवर और आपके रिपोर्ट को ही देखा था अभी इस डिबेट से पहले, और कितने अच्छे तरीके से आपने अपने वॉइस ओवर में और अपने ही रिपोर्ट में दिखाया कि किस प्रकार से केरल की बड़ाई करने निकले और ताली बटोरने, आपने तो वो शब्द भी इस्तेमाल किया था, ताली बटोरने के ताक में राहुल गांधी गड्ढे में फंस गए, और किस प्रकार उन्होंने नॉर्थ इंडिया अर्थात उत्तर भारत की बदनामी कर दी। देखिए, राहुल गांधी जी का अंग्रेजी में दिए भाषण अगर आप सुनेंगे तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनको रिफ्रेशिंग लगता है केरल में आकर और केरल की राजनीति करके, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब वो राजनीति कर रहे थे 15 वर्ष तक, जब उनकी राजनीति नॉर्थ इंडिया में हुई थी, तो वो एक अलग तरीके की राजनीति थी। केरल में जो राजनीति है वो सतही राजनीति नहीं है जो 15 वर्ष की राजनीति थी। यहाँ के लोग बड़े समझदार हैं और यहाँ के लोग नीचे उतर कर तमाम इश्यूज को समझते हैं, और इसलिए यहाँ की राजनीति रिफ्रेशिंग है। आप बताइए, क्या उत्तर प्रदेश के लोग समझदार नहीं है? क्या वो सतही राजनीति करते हैं, सुपरफिशियल, जिसको उन्होंने अंग्रेजी में कहा सुपरफिशियल राजनीति करते हैं? क्या राम मंदिर का इशू सुपरफिशियल था, जिसको लेकर के जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 2019 के बाद सुनवाई होनी चाहिए और राहुल गांधी हार गए अमेठी से, क्या ये सुपरफिशियल इशू था? कोई डेवलपमेंट नहीं किया अमेठी में 15 वर्षों में और इस कारण उनकी हार हुई, क्या डेवलपमेंट कोई सुपरफिशियल इशू है? रायबरेली से खुद उनकी माताश्री सोनिया गांधी जी अभी भी सांसद है, क्या सुपरफिशियल लोगों की वो सांसद है? आप बताइए, बहन प्रियंका वाड्रा अभी भी ये सपने देख रही है कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में वो अपने पैर को जमा सके, तो क्या सुपरफिशियल और सतही लोगों के बीच में प्रियंका वाड्रा अपनी राजनीति के पैर जमाने की कोशिश कर रही है? ये किस प्रकार का विभाजन है? मैं तो कहता हूं न्यूज, आज हम न्यूज में डिबेट कर रहे हैं, न्यूज का अर्थ क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जो हिंदुस्तान है, ये चारों शब्दों को लेकर, न्यूज को लेकर, न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ को लेकर न्यूज बना है, चारों को लेकर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सबको लेकर हिंदुस्तान है। ना नॉर्थ बड़ा है ना साउथ छोटा है, सब बराबर है। और यही राहुल गांधी को कहना चाहिए था। आप याद करिए, आपसे चंद दिनों पहले जाकर किस प्रकार आसाम में उन्होंने कहा था कि आसाम के जो चाय के कारीगर हैं उनको मैं पैसे दिलाऊंगा, और कहां से पैसे लाऊंगा? मैं पैसे लाऊंगा गुजरात के जो ट्रेडर्स हैं, जो भ्रष्ट हैं, वहां से लाऊंगा। क्यों गुजरात के ट्रेडर्स क्यों भ्रष्ट हैं?
वो क्यों अच्छे लोग नहीं है? गुजरात के ट्रेडर्स भी अच्छे हैं, आसाम के कारोबारी भी अच्छे हैं। पवन खेड़ा जी, क्या मौका राहुल गांधी ने नहीं दिया? क्या ये राजनीतिक अपरिपक्वता नहीं है कि अगर कहीं से हार गए तो वहां की टीस आप तुलना में ले आए? वायनाड की जनता की प्रशंसा करते अमेठी से तुलना करने की क्या जरूरत थी सर? अंजना जी, जो राहुल गांधी ने किया वो बड़ा स्पष्ट है, समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे वो संबित पात्र है। समझ की क्या बात है इसमें, मैं बताता हूं। वो आईना दिखाया इस राजनीतिक संस्कृति को, जिसको चरितार्थ करते हैं नरेंद्र मोदी जी और उनके तहत जो भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी है, मैं पुरानी भारतीय जनता पार्टी के विषय में आप चर्चा नहीं करूं। एक जमाना था जब मां नर्मदा के किनारे कबीर के भजन कानून को अच्छा मधुर वाणी मिलती थी, आज वहां विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। एक जमाना था जब मां गंगा के किनारे बिस्मिल्ला खान साहब की शहनाई सुनाई देती थी, उर्दू और संस्कृत अटखेलियां खेलती थी, आज वहां सांप्रदायिकता का जहर इनका राजनीतिक दल और इनकी राजनीतिक संस्कृति ला रहे हैं। नालंदा की पवित्र भूमि को नकल की भूमि इनकी राजनीतिक दल और इनकी राजनीतिक संस्कृति ने बनाया है। भारत मां के चार सपूत हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सब में अपने गुण हैं, सबको एक दूसरे से सीखना चाहिए, और जब वो सीखते हैं एक दूसरे से, भारत मां मुस्कुराती है। मेरे अपनी, मैं बताता हूं आपको, दक्षिण, दक्षिण का सूचकांक देखिए आप। पवन जी, आपकी इजाजत, आपकी इजाजत से, एक सेकंड सर, जितने अच्छे से आप समझा रहे हैं पवन जी, जितने अच्छे से आप समझा रहे हैं, यही उनको लिखकर दे दिया होगा, यही राहुल जी को दे दिया होता, आपने कितने अच्छे से बोला। जो मैंने तो आपको कहा, समझदार को सबको समझ में आ गया राहुल गांधी ने क्या बोला, जिनको नहीं समझ में आया वो शर्मा रहे हैं कि उनको तो मालूम है क्या बोला, उनको भी समझ में आ रहा है, आईना इनको भी दिखा दिया कि ये आप हैं संबित पात्रा जी, आपकी पार्टी। आगे सुनिए, दक्षिण का सूचकांक देखिए आप विकास का, उत्तर को उससे सीखना चाहिए, उत्तर की राजनीतिक अभिव्यक्ति देखिए आप, दक्षिण को उससे सीखना चाहिए, हर क्षेत्र हर प्रांत एक दूसरे से सीखे, यही भारत माता है। अगर इन्हें नहीं समझ में आती ये बात राहुल गांधी की, तो आइए सिखा देते हैं आपको भी, भारत बदल जाएगा अगर भारत की रूलिंग पार्टी ये सब बातें समझ ले जिस दिन। ये है बांटने की राजनीति करने का इनका, देखिए इस मुद्दे को भी आइदर और या यह या वह, उन्होंने तो ये नहीं कहा, हर क्षेत्र को एक दूसरे से सीखना है, हर प्रांत को एक दूसरे से सीखना है। आपकी पुरानी आदत रही है संबित पात्रा जी, भाषा पे विवाद, धर्म पे विवाद, जाति पे विवाद, लिंग भेद पे विवाद, पहनावे पे विवाद, भोजन पे विवाद, आप सब में विवाद ढूंढते हैं, हम सब में संवाद ढूंढते हैं, ये फर्क आप में और हमारे में है, ये फर्क मोदी जी को जिस दिन समझ आ जाएगा भारत सुधर जाएगा, भारत की किस्मत सुधर जाएगी। आपकी समझ में है डॉक्टर संबित पात्रा? नहीं, हाँ हाँ, ये तो सारी दिक्कत हमारे ही समझ में है जी, ये पूरा हिंदुस्तान कुछ और समझ रहा है और कांग्रेस के लोग कुछ और समझ रहे हैं। वो तो वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, अब बताइए इसमें भी हमें समझना है। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था पॉलिटिक्स इज इन माई शर्ट एंड पैंट, उसको भी समझना है, वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। राहुल गांधी तो बहुत विद्वता की बात कर रहे हैं, हम ही नहीं समझ पा रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने कहा था पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ माइंड, माइंड के अंदर गरीबी होती है, कोई पैसे वैसे से गरीबी का लेना देना नहीं है, ये भी हम समझ नहीं पा रहे। अब हम करें क्या? अगर राहुल गांधी को पूरा विश्व, पूरा भारतवर्ष, हम कोई समझ नहीं पा रहा है, केवल राहुल गांधी को राहुल जी ही समझ रहे हैं और राहुल जी आईना दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है राहुल जी को आईना खुद देख लेना चाहिए और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके बोलना चाहिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड बोलते ही क्यों हैं जो पूरा विश्व समझ नहीं पाता है? आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी है, वही कांग्रेस पार्टी है। याद करिए, आज से चंद दिनों पहले एक डिबेट हुआ था, राहुल गांधी ने बंद कमरे के अंदर कहा था हां हम मुसलमानों की पार्टी है, ये तो इंकलाब अखबार जो कि उर्दू की सबसे बड़ी अखबार है हेडलाइन का अगले दिन छापी थी। और ये वही राहुल गांधी है गुजरात में जाके कहते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, मैं ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं, उसके बाद मंदिर भी जाते हैं। ये वही राहुल गांधी है कर्नाटक में स्टेट फ्लैग अलग चाहते थे इंडिया से कि अलग फ्लैग हो। संबित जी, हाँ हाँ, लेकिन जैसा ऑडियंस वहां पर जाकर लोग बोलते हैं ना अपनी बात, प्रधानमंत्री भी जब बनारस जाते हैं वहां की भाषा में बोलते हैं, पश्चिम बंगाल जाते हैं तो बांग्ला में बोलते हैं, एक संपर्क अपने मतदाता से कोशिश करता है ना हर नेता, वही कर रहे थे वो वहां पर। वायनाड ने उनको जिताया है तो उसकी प्रशंसा कर रहे थे कि आपकी राजनीतिक समझ बूझ जो है अच्छी है। देखिए अंजना जी, वायनाड की प्रशंसा करना, केरल की प्रशंसा करना तो अच्छी बात है,
हम सबको हर राज्य की प्रशंसा करनी चाहिए, मगर एक राज्य की प्रशंसा करते करते दूसरे राज्य के लोगों को सतही कह देना, और अंग्रेजी में बोल रहे थे राहुल गांधी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो हम भी समझते हैं ना, आप भी समझती है थोड़ी बहुत अंग्रेजी, तो उन्होंने कहा सुपरफिशियल राजनीति थी। मैं यहां आके रिफ्रेश महसूस कर रहा हूं, यहां की राजनीति अलग है, इश्यूज को समझने वाली राजनीति है, वहां सुपरफिशियल राजनीति थी। तो इतने तो मूर्ख हिंदुस्तान के लोग नहीं है जो समझ नहीं पाते हैं। जाके आसाम में टी वर्कर्स के लिए कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसा दिलाऊंगा, और पैसा कहां से लाऊंगा, पैसा लाऊंगा गुजरातियों से। और इससे पहले आप याद करिए गुजरात में उन्होंने कहा था कि ऐसा क्यों होता है कि सारे मोदी चोर होते हैं, पूरे मोदी कॉम के लिए जिसकी भी टाइटल मोदी है उनके लिए उन्होंने ये बात कही थी। बाद में मोदी कम्युनिटी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में डिफामेशन का केस फाइल किया हुआ है, वो डिफामेशन का केस चल रहा है। आप बताइए ये किस प्रकार की भाषा है, ये किस प्रकार की भाषा है जहां पर आप कहते हैं कि लिंगायत समाज को आप एक हिंदू धर्म से अलग करके एक और आप धर्म बना दीजिए। तो हर जगह विघटन करना, हर जगह पार्थक्यता लाना, हर जगह डिवीजन लेके आना, ये जो डिविजिव। और मैं अंत में एक बात कहना चाहूंगा अंजना जी, देखिए आप अमेठी में चुनाव हार गए स्मृति जी से, ठीक बात है, आपको बहाना ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी जी बहाना ढूंढ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन खराब, ईवीएम खराब, और अब तो अब नॉर्थ इंडियन खराब हो गए हैं, तो उनको समझ नहीं है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि जो किसान के बिल है ये नॉर्थ इंडिया के किसान समझ नहीं पा रहे हैं, वरना अगर वो समझ जाते तो देयर वुड हैव बीन वाइल्ड फायर, आग लग जाती। मतलब ये किसान बिल नहीं समझ पा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन इश्यू नहीं समझ पा रहे हैं, ये कमाल की बात है। समझ सरकार का विरोध करते करते मतदाता का अपमान करना शुरू नहीं हो गया है जब वो तुलना करते हैं अमेठी की? आप मामले को, मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो समझ में आने वाली बात है, आप इनकी राजनीति के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन अमेठी की तुलना में यहाँ की पॉलिटिक्स रिफ्रेशिंग है, इसका क्या मतलब है सर? आप ही समझा दीजिए, मुझे एक बात बताइए अंजना जी, मैं समझा देता हूँ। आपको तो मालूम है, आप समझती हैं, मैं मुझे पूरा भरोसा है आप समझती हैं, और संबित जी भी मनीमन समझते हैं, बहुत समझदार आदमी है, आफ्टर ऑल डॉक्टर हैं, लेकिन चलिए फिर भी समझा देता हूं इन्हें। राजनीति कौन करता है? राजनीति राजनीतिक दल करते हैं, जनता नहीं करती। जनता का कहां से अपमान हो गया? अरे कितनी बार छिपोगे संबित जी, आप हमारे बारे में बहुत बोल चुके हैं अभी पिछले 5 मिनट, बादलों के पीछे रॉकेट छिप जाएगा, रेडार में दिखेगा नहीं, ये किस महान वैज्ञानिक ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने कहा था। नाले से गैस मिल जाएगी, ये किस महान शोधकर्ता ने कहा था? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने कहा था। और एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका भी नाम नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने गुरु नानक देव को और कबीर साहब को इकट्ठे बैठा दिया और फिर बोले मोहन लाल करमचंद गांधी, एक बार नहीं कई बार बोले, जिसकी धरती से आते हैं उस बापू का नाम नहीं मालूम, और तक्षशिला को बिहार में ले आए थे। चलिए छोड़िए, बड़े लोग ऐसा गलती कर जाते हैं। आप व आपकी पार्टी जिस तरह की राजनीति करते हैं, बात राजनीति की उन्होंने, जनता की नहीं की। आप भले आप नॉर्थ इंडियंस के पीछे छिप जाएंगे, नॉर्थ इंडियंस आपको अब छिपाएंगे नहीं, नॉर्थ इंडियंस तो आपको ढूंढेंगे अभी, और बच के रहिएगा, बहुत गुस्सा है लोगों में, मैं आपको बता रहा हूं, तेल पेट्रोल डीजल एलपीजी, बेरोजगारी, छोटा व्यापारी, महिला सुरक्षा, तमाम मुद्दे लिए अब जनता आपको ढूंढ रही है। मत छुपिए, नॉर्थ इंडिया आपको नहीं छिपाएगा, ना साउथ इंडिया छिपाएगा, ना ईस्ट इंडिया छिपाएगा, ना वेस्ट इंडिया छिपाएगा, पूरा इंडिया ढूंढ रहा है। आज वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नाम पे एक स्टेडियम बनाया ना आप लोगों ने, वो भी आपने नहीं बनाया, 1983 का स्टेडियम, सिर्फ उसमें थोड़ी लीपापोती करके सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम हटा दिया और उसमें नरेंद्र मोदी जी का नाम डाल दिया। पिच का नाम रखते नरेंद्र मोदी तो समझ में आता है, क्योंकि स्पिन अच्छी हो जाती, कम से कम सरदार वल्लभ भाई पटेल का सम्मान तो कर लेते, उनको भी आपने बड़ा कम कर दिया। तो आप राजनीति करते हैं, जिन मुद्दों पर राजनीति करते हैं राहुल गांधी ने, और मुझे गर्व है उन्होंने आपको आईना दिखाया, उन मुद्दों और उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ राहुल गांधी ने एक बिगुल बजाया है। पूरा हिंदुस्तान राहुल गांधी की इस आवाज में अपनी आवाज जोड़ रहा है। इस तरह की राजनीति हमें नहीं चाहिए। मोदी जी के स्विंग पर तो वो जवाब देंगे, राहुल गांधी के स्विंग पर जवाब देना मुश्किल पड़ता है कि नहीं प्रवक्ताओं को, जरा ये बताइए ईमानदारी से। हमें तो बड़ा गर्व है, मैं तो कह रहा हूँ बड़ा गर्व है हमें राहुल गांधी ने, आज संबित पात्रा जी को, नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह को आईना दिखाया कि जिस तरह आईना दिखाया आपको संबित पात्रा जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मुझे ये बताइए ना कि बिहार का अपमान कैसे हो गया? आपके जो एमएलसी बने हैं नए, संजय मयूख जी लिख रहे हैं बिहार का अपमान हो गया, मतलब ये कैसे हो गया बिहार का? अंजना जी मेरी बात एक एक लाइन और पूरी कर लीजिए जल्दी से, आ रही हूं। अंजना जी ये लोग जहां जाते हैं, मैं इनका दक्षिण में एंट्री कहां हुई थी,
कर्नाटका में, आपने तो इतिहास देखा होगा, राजनीतिक इतिहास, आप समझती हैं राजनीति को अच्छी तरह, वहां किस मुद्दे पर इन्होंने अपनी राजनीति शुरू की? हुबली के ईदगाह के मुद्दे पर। ये जीएचएमसी हैदराबाद में चुनाव लड़ने आए, क्या मुद्दे लेकर आए, पूछिए जरा इनसे। वहां भी बांटने की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। तो राहुल गांधी ने सिर्फ बहुत अच्छी तरह से इशारे में, क्योंकि वो तो समझते थे कि संबित पात्रा जी समझदार होंगे, उन्हें नहीं मालूम असलियत तो हमें मालूम है, उन्हें नहीं मालूम होगी ये बात। हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाफ, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स के खिलाफ उन्होंने कहा, ये उनका अर्थ था संबित पात्रा जी, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स जो आप हर जगह बंटवारे की करते हैं उसके खिलाफ उन्होंने कहा कि दक्षिण की जो राजनीति है वो अभी शुद्ध है, रिफ्रेशिंग है। चलिए, मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो सवाल पूछे गए, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले तो पवन भाई ने कहा कि राहुल गांधी सबको आईना दिखा रहे हैं और मोदी जी का तो वो छक्के छुड़ाने वाले हैं, कमाल कर देंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा और पूरी हिंदुस्तान की जनता राहुल जी के साथ खड़ी है। देखिए, मैं शुरू से ही कह रहा हूं, राहुल गांधी जी एसेट हैं, कोई छोटी मोटी चीज थोड़े ही है, और हम चाहे कितना भी डिबेट कर ले, राहुल गांधी जी को कुछ भी कह ले, कितना भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, मैं एक अनुमति और मैं रुक जाता हूँ। आज मैं तुतू मैं पूरा पूरा कर लूँ, फिर डिबेट भी करने की ऐसी इच्छा नहीं है, शांति से बैठे। आपकी बारे में किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ, उसके बाद चुप हो जाऊंगा, निवेदन मेरा सुन लीजिए। गंभीर मुद्दों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, बार बार वही चुटकुले जिन पे अब लोग हंसते नहीं, अब तो रोते हैं। अंजना जी, आपको लगता है कि डिबेट इस तरह के लोगों को चुन लिया तो लोग तय करें कि वो क्या सही कह रहे हैं, ठीक है, वो लड़ाई करें। मैं आपका मूड अच्छा रहे, भगवान हमेशा आपके मूड के लिए, पूरी जनता बेचारी जी रही है कि संबित पात्रा जी का मूड अच्छा रहे। अरे कमाल, कोई बात नहीं, मैं तो अच्छे मूड में हूँ अंजना जी, देखिए मैं टाइम वेस्ट करने के लिए मूड में है, अगर अगर गंभीर मुद्दों पर गंभीर बात। चलिए अंजना जी, मुझे लगता है कि आप लोग बात करिए, थैंक यू, आपस में बात करेंगे। क्या हो गया समित, क्यों गंभीर बात नहीं हो पाती क्या आपसे? नहीं, समस्या है क्या? गंभीर बात करने में कोई दिक्कत है? नहीं, कोई बात नहीं अंजना जी, देखिए ये हम तो आप बोलिए अपनी बारी, कई बार होता है दोनों तरफ से टोका टोकी होती है, उनको मैंने बोल दिया था पहले, वो चुप हो गए। मैं कोई टोका टाकी नहीं कर रहा, टोकना नहीं चाहता, मैं टोकना नहीं चाहता, अपने समय में बोलूंगा। और पवन खेड़ा जी प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलते हैं, अपनी अपनी बारी में बोलिए, उनको अपना पक्ष कर दीजिए, जनता को जज करने दीजिए ना, आप क्यों कह रहे हैं कि वो मजाक कर रहे हैं? आप अपने हिस्से में बोलिए, आप अपने हिस्से में बोलिए डॉक्टर संबित पात्रा। मैंने एक निवेदन किया कि गंभीर चर्चा कीजिए। हाँ ठीक है, आपका निवेदन हो गया सर, अब सुई बार बार घूम रही है, हो गया, ठीक है पवन जी, अगर डिबेट कराना है तो कराइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आखिरी चांस भी दे रहे हैं साहब, ये तो बोलिए, मान गए आपको सत्ता करनी तो आप बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मेरे हाथ में है ना कि डिबेट करना या नहीं करना, मैं बिल्कुल गाली गलौज वाली डिबेट अभी करने के मूड में नहीं हूं। ठीक है डॉक्टर संबित पात्रा, प्लीज विषय बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, मुझे पवन जी आवाज नीची करनी होगी क्योंकि बहस को आगे ले जाना है। हाँ। बोलिए संबित पात्रा जी। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर कोई मजाक नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं मजाक करना चाहिए? पूरे देश का इन लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। आप नॉर्थ इंडियंस को इस प्रकार से गाली देंगे, आप साउथ इंडिया में जाके धर्म के नाम पे डिवीजन करेंगे, और हम राहुल गांधी का नाम भी ना ले, भगवान है क्या राहुल गांधी? क्या गाली दे दिया हमने राहुल गांधी को? सच्चाई तो बताइए। ये अभी बोल रहे थे राहुल गांधी ने आईना दिखा दिया मोदी को, राहुल गांधी के साथ पूरी हिंदुस्तान खड़ी है, बिल्कुल खड़ी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो बिल्कुल यहां कह रहा हूं, राहुल गांधी जी बहुत बड़े एसेट हैं, 3024 तक, केवल 2024 तक नहीं, 3024 तक राहुल गांधी जी सकुशल रहे, स्वस्थ रहे, बीजेपी के खिलाफ बने रहे, अध्यक्ष बने कांग्रेस पार्टी के। मैं ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं, हाजिर नाजिर जान के मेरे भगवान राम को कह रहा हूं, मैं उतना बड़ा प्रशंसक हूं राहुल गांधी का। देखिए राहुल गांधी क्या है क्या नहीं है ये पूरा विश्व जानता है। दूसरी बात है, आप इस कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारा अकाउंट नहीं खुल रहा है साउथ इंडिया में, हम वहां हार रहे इसलिए हम बौखलाए हुए हैं। अभी जुमा चुमा कुछ घंटे हुए हैं, पुडुचेरी के अंदर क्या हाल हुई? राहुल गांधी को आज देश में लोग पनौती के नाम से क्यों जानते हैं? जहां राहुल गांधी जाके जिस चीज का स्पर्श कर देते हैं वहां कांग्रेस समाप्त हो जाती है। अभी ये कह रहे हैं कि पूरा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, गुजरात राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा है, गुजरात हिंदुस्तान में नहीं है, कल रिजल्ट आया है, क्या हाल हुआ है देखिए वहां कांग्रेस पार्टी का, सुपड़ा साफ।
पूरा सुपड़ा साफ, जिसको हिंदी में कहते हैं सुपड़ा साफ होना, वो हुआ है गुजरात में। फिर भी ये कह रहे हैं राहुल गांधी महान है, हम राहुल गांधी को सर पे उठा के चलेंगे। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल चलिए साहब 30-24 तक। जी अंजना जी, पंजाब में आपका सुपड़ा साफ हुआ? हार जीत तो पॉलिटिक्स का एक हिस्सा। अंजना जी पंजाब का मैं जवाब देता हूं। देखिए अंजना जी पंजाब बिल्कुल सही प्रश्न है, मैं जवाब दूंगा, कोई चिल्ला, आपने इस प्रश्न पूछा जवाब। देखिए अंजना जी पंजाब में हम बहुत छोटी पार्टी थे, अभी भी है, हम वहां शिरोमणि अकाली दल के साथ अलायंस में थे, अलायंस से अलग हुए, पहली बार चुनाव अकेले लड़े, वहां हमारा विस्तार नहीं हुआ है, समय लगेगा, पार्टी विस्तार करेगी और बिल्कुल वहां पर अपनी जमीन बनाएंगे। किसकी है विभाजनकारी राजनीति, सियासत सिखाती क्या उत्तर और दक्षिण का भेद? बहस इसी पर हम करें। डॉक्टर संबित पात्रा और पवन खेड़ा जी हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि बिना नाम दिए राहुल गांधी को नसीहत दी है कपिल सिब्बल ने, पूर्व शिक्षा मंत्री यूपीए सरकार के, और एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पिछले दिनों अपनी आवाज नेतृत्व को लेकर बुलंद की है कि उस पर चिंतन होने की जरूरत है। हर जगह का मतदाता समझदार होता है, कह रहे कपिल सिब्बल। बिना नाम लिए राहुल गांधी को कपिल सिब्बल की नसीहत है, कह रहे हैं हर जगह के मतदाता का सम्मान करना चाहिए, उसका खुद का विवेक होता है और उसी आधार पर वो वोट करता है, कहीं का भी हो मतदाता उसका सम्मान होना चाहिए। अब बताइए पवन खेड़ा जी, पहले सुना देते हैं, आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आपसे इस पर सवाल पूछेंगे, सुनाइए जरा। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के मतदाता का सवाल है, चाहे वो नॉर्थ में हो, चाहे वो साउथ में हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, कहीं भी हो, तो मतदाता तो मतदाता होता है ना। हर मतदाता जहां भी वो होगा वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। तो मैं कोई व्यक्तिगत रूप पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हमें मतदाता को कहीं का भी हो उसको पूरा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। पवन जी अब तो बात स्मृति ईरानी की सिर्फ नहीं है, कपिल सिब्बल भी वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं आपकी सरकार में, वो भी सिखा रहे हैं बिना नाम लिए। मुझे पूरा यकीन है कि सिब्बल साहब ने भी सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन था वो देखा और असली भाषण उन्होंने नहीं सुना, नहीं तो वो ये बात नहीं कहते। और सम्मान सिर्फ मतदाता का क्यों होना चाहिए, मैं तो उनसे भी पूछूंगा सम्मान पूर्वक, सम्मान तो उनका भी होना चाहिए जो अभी मतदाता नहीं बने हैं, छोटी उम्र के हैं या किसी और कारण से मतदाता नहीं है। हर व्यक्ति का, हर हिंदुस्तानी का सबको सम्मान करना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो राजनीतिक संस्कृति ये लोग दक्षिण में भी लाने की चेष्टा कर रहे हैं, उस राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ मुझे फख्र है राहुल गांधी पर कि उन्होंने इतनी बुलंद आवाज में बोला और बार बार बोलना चाहिए। बात ये छिप जाएंगे नॉर्थ इंडियंस का अपमान, कोई नॉर्थ इंडियंस का अपमान नहीं है, आपकी राजनीतिक शैली और आपकी राजनीतिक संस्कृति पे प्रश्न चिन्ह लगाया है। बात कर रहे थे गुजरात के चुनावों में स्थानीय निकायों के, आपने अंजना जी राजस्थान का उदाहरण दिया, नहीं दिया पंजाब का दिया सिर्फ, मैं इन्हें राजस्थान का भी उदाहरण देता हूं, वहां क्या हुआ और सांगली में कल क्या हुआ और नागपुर में क्या हुआ और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय में क्या हुआ, क्या वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? जो आप जीते वो तो हमसे पूछेंगे क्या गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं, बिल्कुल है, हमें गर्व है गुजरात हिंदुस्तान का हिस्सा है और उसके दो सपूत हैं महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक का आपने कैलेंडर से चित्र हटा दिया, मोदी जी खुद आकर बैठ गए खादी के कैलेंडर पर, और आज दूसरे का भी नाम हटा दिया स्टेडियम से, खुद अपना नाम लगा दिया। ये तो सम्मान करते हैं आप हमारे गुजरात के दो सपूतों का जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम कमाया हो, जिनकी वजह से आज भारत की पहचान हो, उनका ही आप अपमान कर रहे हैं और यहां आकर वोट बटोरने आ जाते हैं। गुजरात भारत का हिस्सा, बिल्कुल है गुजरात भारत का हिस्सा है, गुजरात में दो सपूत थे, उनकी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये राजनीतिक संस्कृति है। जवाब सुनते हैं इसका, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दीजिए। देखिए अब तो वो कपिल सिब्बल को भी सिखा रहे हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी सिब्बल जी पर और उसकी लाइन तय है, वो आपकी बंटवारे वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ है, ये उनका कहना है। देखिए आपने तो केवल सिब्बल जी का बयान सुनाया, आनंद शर्मा जी का भी दिखा दीजिए, आनंद शर्मा जी भी बिना नाम लिए बहुत कुछ बोल रहे हैं। देखिए सिब्बल जी को भी भारतीय जनता पार्टी ने सिखा दिया और सिब्बल जी ने भी पूरा भाषण नहीं देखा, वो भी बिना समझे आके यहां पर बयान दे गए। आनंद शर्मा जी को भी कुछ समझ में आया नहीं,
सिब्बल और आनंद शर्मा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में खपा दी, और अगर मैं सही हूं तो यहां जो प्रवक्ता बैठे हैं या जो बाकी प्रवक्ता हैं उनसे सीनियर तो कम से कम कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा है। समझ तो थोड़ी बहुत तो होगी, थोड़ी बहुत समझ तो होगी। देखिए अंजना जी, मुझे तो इस बात पे दुख भी हो रहा है और इस बात पे एक विस्मय भी हो रहा है कि राहुल को बचाते बचाते ये कहां आ गए। वो है ना, एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है सिलसिला मूवी का, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते। आप सोचिए, ये राहुल गांधी के साथ चलते चलते ये कांग्रेस के प्रवक्ता भी कहां आ गए। बोल रहे किसी को समझ नहीं है, किसी ने कोई समझा नहीं राहुल। समझने की बात नहीं है, राहुल गांधी समझाना क्या चाहते हैं वही खुद राहुल गांधी नहीं जानते हैं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट, अब आप समझ लो क्या समझना है। राहुल गांधी खुद ही बादलों के पीछे रॉकेट छिप गया, शर्ट पैंट में पॉलिटिक्स कैसे होगी ये आप समझ लो। राहुल गांधी जी खुद बोलते हैं, फिर अंजना जी पवन जी, देखिए आपने फिर पहले जब बोला तो आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, एक सेकंड मैंने पवन जी बोला, इतने विचलित क्यों हो रहे हैं पवन जी। पवन जी प्लीज, 5 मिनट इन्होंने बोला, एक सेकंड मैंने आवाज नहीं रखी, आपने जब आपने लगातार बोला किसी ने बीच में नहीं बोला। आप सोचिए प्लीज अपने अपने बारे में। डॉक्टर पात्र, देखिए राहुल गांधी जी की समझ कितनी है ये कोई आज से डिसाइड नहीं हो रहा है। राहुल गांधी जी की समझ आज से अनेकों वर्षों पहले से, जब से राहुल गांधी जी आए हैं, और देखिए हिंदी में, खैर आजकल राहुल गांधी हिंदी समझते नहीं है, वो तो हिंदी मुहावरों को भी लाइक नहीं करते होंगे, मगर पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, और राहुल गांधी के भी छोटे छोटे पांव तो शुरू से दिख गए थे, अब तो पांव बड़े बड़े हो गए हैं। वैसे हाथ उनका निशान है मगर पांव तो शुरू से ही दिख रहा था। नहीं हो पाएगा, फ्यूल नहीं है, लॉन्च नहीं हो पाएगा, मैं तब से बोल रहा हूं। ये लोग समझ नहीं रहे हैं, ये सैटेलाइट को हर जगह खड़ी करके बोलते हैं अब ये लॉन्च होगा, अब ये मंगल ग्रह में चला जाएगा, अब ये जाके मून में लैंड। यार नहीं हो पाएगा अंजना जी, उनको प्लीज समझा दीजिए, कितनी एनर्जी लग रही है। हम भी 6 बजे डिबेट आके यही करते रहते हैं, राहुल गांधी राहुल गांधी। ये फ्यूल नहीं है, लॉन्च नहीं हो पाएगा, चाहे आप धक्का दे के सैटेलाइट को तो आप मंगल ग्रह में नहीं पहुंचा सकते हैं ना, यही हाल राहुल गांधी की है बस। पवन जी मजबूरी है क्या? कपिल सिब्बल जो देश में शिक्षा मंत्री रहे थे उनकी भी बात को आप सीधा टीवी पर नकार दे रहे हैं? बिल्कुल 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 खुलकर नकार रहा हूं, क्योंकि मैं पूरा भरोसा है मुझे कि उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी उनकी। क्यों, वो बाकियों से कम कांग्रेसी है क्या? मुझे भी बोलने दीजिए ना मैडम, आप ही बोलना चाहेंगी, आप ही से पूछ रही हूं, बोल रहा हूं ना, तो मुझे मौका तो दीजिए। आपने सवाल पूछा, मेरा जवाब पूरा हुआ नहीं, आप फिर कुछ बोलने लगी तो मुझे बोलने दीजिए, या फिर इन्हीं का मजाक सुन लेते हैं, दोनों बैठकर थोड़ा हंस भी लेंगे। सिब्बल साहब कांग्रेसी हैं या नहीं, उसमें आपकी या संबित पात्रा जी की या मेरी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो बिल्कुल मजबूत कांग्रेसी हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बुजुर्ग नेता हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और हमारी इनकी तरह नहीं, अडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया। आज अडवाणी जी भी परेशान है कि मैं ही अपने नाम पे कुछ कर जाता तो अच्छा रहता। मोदी जी बड़े समझदार हैं, उन्हें मालूम है कि इनकी सरकार जाएगी, उसके बाद कोई भी सरकार आए उनके नाम पे कोई योजना कुछ नहीं होने वाली, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। तो अडवाणी जी आज बड़े परेशान हैं। आप सिब्बल साहब की चिंता मत करिए, सिब्बल साहब सक्षम है अपनी चिंता वो खुद कर लेंगे, हमारा एक एक नेता सक्षम है। आप अपने नेताओं की जरा देख लीजिए, क्या हाल मुरली मनोहर जोशी जी का बनाया आपने। आज वो दोनों बैठे थे, परेशान हो रहे थे कि अपने नाम पे हमने क्यों नहीं कुछ कर दिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और एक एंड है अडानी एंड, दूसरा है रिलायंस एंड, द एंड हो गया देश का और देश की अर्थव्यवस्था का। वो एक स्टेडियम का नाम देख लो, देश की अर्थव्यवस्था का द एंड दिख जाता है। इसलिए स्टेडियम पर आपने कुछ बोला नहीं था वैसे डॉक्टर संबित पात्रा, सिर्फ एक लाइन में जवाब दीजिए। बार बार कांग्रेस पार्टी का कहना है कि क्यों अपने नाम पर कर लिया, जल्दी से एक लाइन का जल्दी से। नहीं, एक लाइन में तो यही बोलूंगा, क्या होती है क्या, सारी प्रॉपर्टी इन्हीं के परिवार के नाम पे होगी क्या, इटालियन परिवार के नाम पे? क्यों भैया, मतलब सर के ऊपर भी कोई बिल्डिंग दिखाई देगी तो वो भी इटालियन परिवार, सड़क होगी तो वो राजीव गांधी, बगल में डस्टबिन होगा। एक अलग दिन उस पर बहस कर लेंगे, एक अलग दिन उस पर कर लेंगे।